गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था केमिस्ट्री के स्कोप्स क्या क्या हैं। यू नो बच्चे, केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ साइंस इवन। तो बच्चे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, एज आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री इज अ साइंस विच इज डीलिंग विद मैटर। नाइन्थ क्लास में यू माइट हैव स्टडीड अबाउट मैटर। वॉट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिलकर बनता है, दैट इज नथिंग बट मैटर। एंड एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज, सम सॉलिड, सम लिक्विड, गैस, एंड वी कैन से चॉक, डस्टर, ऑक्सीजन, वाटर, जो कुछ भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट मैटर। अगर हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ ऑफ थ्री टाइप। वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू मस्ट गो थ्रू इन योर नाइन्थ क्लास ऑल्सो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज थ्री आर द फिजिकल टाइप ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड यू मस्ट नो, सॉलिड की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, सॉलिड क्या है बेटे? एनीथिंग विच हैज़ फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, इट हैज़ नो कंप्रेसिबिलिटी, नो फ्लूडिटी, इट हैज़ मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टाइलस आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ अ सॉलिड। ये बोर्ड एक सॉलिड है, इसकी शेप फिक्स है, साइज फिक्स है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है बेटे? इट डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, इसकी कोई शेप नहीं है। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, बट इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम। हम इसका वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, राइट? सिमिलरली अगर गैसेज की बात करें तो गैसेज हैज़ नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। और लिक्विड और गैसेज में कॉमन क्या है? द बोथ हैव फ्लूडिटी, दे कैन फ्लो, फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, गैसेज भी फ्लो कर सकते हैं। गैसेज की बात करें, ना तो गैसेज का फिक्स शेप है, ना फिक्स वॉल्यूम है, बट अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज क्या है बेटे? गैसेज में कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेशन मीन्स प्रेशर लगाकर गैसेज को लिक्विफाई कर सकते हैं। एक रूम की गैस को आप एक बॉटल में बंद कर सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास 1 किलो का जार है तो आप उसमें 1 किलोग्राम सब्सटेंस ही, सॉलिड सब्सटेंस डाल सकते हैं, शुगर है। 1 kg के जार में 1 kg शुगर ही आएगा, बट एक रूम की गैस को कंप्रेशन लगाकर, प्रेशर लगाकर आप उसको लिक्विफाई करके छोटी सी बॉटल में भी बंद कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज हाईली कंप्रेसिबल। आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? तो ये गैसेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। गैसेस के पार्टिकल में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो दीज फिजिकल प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नाइन्थ क्लास ऑल्सो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, केमिकल क्लासिफिकेशन अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। हाउ इट विल बी सी, आई विल एक्सप्लेन। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आपको क्या करना होगा? आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में आप बटर को हीट करते हैं, वो लिक्विफाई हो जाता है, घी बन जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग इफ़ यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड इंटू लिक्विड। एंड इफ अगेन लिक्विड इज गेटिंग बैक इंटू द सॉलिड, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। हम पानी से आइस बनाते हैं, वाटर से आइस बना रहे हैं, वॉट वी आर डूइंग, हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो लिक्विड क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नेक्स्ट, इफ यू विल टॉक अबाउट, अगर आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, सी लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, आप क्या करेंगे? वाटर को हीट करते हैं, वो बॉयल होता है, और एक बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस या वेपर। लिक्विड की जब वेपर बननी स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। तो लिक्विड से गैस का बनना वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। एंड गैस का लिक्विड बनना, अगेन इट इज गेटिंग बैक इनटू लिक्विड।
गैस से लिक्विड का बनना इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड से डायरेक्टली गैस का बनना. आपने देखा होगा कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो बिना लिक्विड बने, विदाउट बीइंग मेल्ट, डायरेक्टली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गैस. फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बॉन्ड्स. आपने देखा होगा बेटे, मम्मा कई बार वूलन क्लोथ्स में वाइट कलर की बॉल्स का एक पैकेट रखते हैं जिसमें वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं. इनमें सब्लिमेशन होता है. आप नेक्स्ट सीजन देखेंगे ये बॉल्स आपको नहीं मिलेंगी. वेयर डज इट डिसअपियर? ये कहाँ चली गई बॉल? सॉलिड से डायरेक्टली वेपराइज हो चुकी हैं. तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इंटू लिक्विड, डायरेक्टली इंटू गैस विदाउट बींग लिक्विड. सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना इज कॉल्ड सब्लिमेशन. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इवन यू माइट हैव स्टार्टेड. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर, अभी मैंने आपको बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इट इज क्लासिफाइड इन टू 3 पार्ट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. हियर यू कैन सी देयर इज मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. गैस के पार्टिकल में स्पेस बहुत होता है बट अट्रैक्शन कम होता है. लिक्विड में मॉडरेट होता है. और अगर सॉलिड की बात करें, पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए रिजिड है, इसलिए सॉलिड हार्ड है, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा. हियर इवन हम लोग देखकर भी बता सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या है. नाउ वी विल गो फॉर द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन इट विल बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप. अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, मीन्स द मैटर विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर. हमारे चारों तरफ जो मैटर है, एयर जिसमें ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन गैस है, नंबर ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट, क्या ये प्योर है? वाटर वॉट वी आर ड्रिंकिंग, क्या ये प्योर है? तो इसकी स्टडी करेंगे हम लोग इस पार्ट में. मैटर कैन बी ऑफ 2 टाइप. मैटर या तो प्योर हो सकता है या मैटर हो सकता है इम्प्योर. इम्प्योर डजेंट मीन कि हमारे यूज़ के लिए नहीं है. इम्प्योर का मतलब यहाँ मिक्सचर है. तो अगर प्योर होगा मैटर तो वो कैटेगराइज करेंगे हम 2 पार्ट में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट क्या है बेटे? सिंगल एटम. फॉर एग्जांपल कार्बन. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस, कोल, कोयला, हम एग्जांपल लेते हैं कोल का, तो कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली. इट्स जस्ट मेड अप ऑफ कार्बन 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 एंड दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या हुआ? एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, एनी कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. तो आपने सुना होगा सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है या कार्बन. सिंगल एटम की अगर हम बात करें, दैट इज नथिंग बट एलिमेंट. इट मींस एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते. बहुत ही अच्छा. और एक बहुत आपको एग्जांपल अगर मैं दूँ, लड्डू आप सब खाते हैं, आपको पता है लड्डू किसका बनता है? बूंदी से मिलके बनता है. तो बूंदी क्या हुआ बेटे? एटम हुआ, स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, जिसको ज्वाइन करके क्या बन रहा है? लड्डू बन रहा है. दैट इज नथिंग बट मॉलिक्यूल और कंपाउंड. तो इट मींस द जो स्मॉलेस्ट पार्ट है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. गॉट इट? और अगर बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड भी प्योर फॉर्म में आता है, बट कंपाउंड क्या है? इट इज मेड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है. फॉर एग्जांपल वाटर. अगर हम वाटर की बात करें तो ये प्योर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वाटर में क्या होगा? ओनली एंड ओनली H2O मॉलिक्यूल होगा. H2O कंपाउंड या मॉलिक्यूल हम किसको बोलेंगे? जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. यू कैन सी हियर यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं. तो ये क्या कंसीडर करेंगे हम इसको? इट विल बी कंसीडर्ड एज कंपाउंड. क्लियर? ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कंपाउंड है. अगर हम बात करें NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, कॉमन सॉल्ट, डोमेस्टिक पर्पज से कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड. कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल है, कंपाउंड है. कैल्शियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है. क्लियर? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड,
क्या है बेटे? दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, ये मेटल की प्योर फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इम्प्योर कंपाउंड, इम्प्योर कौन से होंगे? मिक्सचर्स, व्हेन वी आर मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स या टू और मोर कंपाउंड्स, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। एंड यू नो मिक्सचर कैन बी ऑफ टू टाइप, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर मीन्स इसमें कैटेगरी आएगी सॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट मीन्स जिसको डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट मीन्स जिसमें डिसॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है इट इज नथिंग बट सॉल्वेंट। आपको इसमें सॉल्ट ऐड करना है, नमक ऐड करना है, तो ये क्या हुआ? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूट के पार्टिकल अगर सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं, जब आप पानी में नमक डिसॉल्व करते हैं आपको वो दिखाई नहीं देता, वेयर इट विल गो? जो वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है ये वहाँ चला गया, तो इट इज़ नॉट विजिबल टू यू। आपको सॉल्यूट के पार्टिकल होमोजीनस सिस्टम में विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना स्मॉल है कि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। एंड दैट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर? और इसमें एग्जाम्पल क्या आता है? सॉल्यूशन आता है। तो आई थिंक you have understood about the solution in which solute particle are completely soluble, it's not at all visible in the solution. For example salt water mixture, pani mein namak milaiye, it will not visible. Sugar water mixture, it is also an example of homogeneous mixture. Soda water mixture, alcohol water mixture, tincture iodine, copper sulfate, ये सारे बेटे किस में आते हैं? सॉल्यूशन में आते हैं, होमोजीनस मिक्सचर में आते हैं, क्योंकि इट विल नॉट डिसॉल्व इन, इट विल कंप्लीटली डिसॉल्व इन टू द सॉल्वेंट। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस सिस्टम, व्हाट इज हेट्रोजीनस सिस्टम? हेट्रोजीनस सिस्टम में क्या होता है बेटे? दो कैटेगरी हम स्टडी करेंगे, वन इज कोलॉइड्स, अनदर इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है बेटे? फॉर एग्जाम्पल चॉक वाटर मिक्सचर, अगर आप चॉक को वाटर में डिसॉल्व कीजिए, क्या डिसॉल्व होगा? नहीं। इट मींस जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, इनफैक्ट इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। आप चॉक को कितना भी कोशिश कीजिए, टेम्परेचर हाई कीजिए, आप प्रेशर लगाइए और आप सेंट्रीफ्यूगेशन कीजिए, रोटेशन करवाइए, ये डिसॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट क्या होगा? चॉक पाउडर विल सेटल डाउन एट द बॉटम और इसके पार्टिकल आपको क्लियर कट विजिबल होंगे, दैट इज नथिंग बट सस्पेंशन। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू अबाउट सस्पेंशन। सैंड वाटर मिक्सचर, ऑयल वाटर मिक्सचर, जहाँ आपको क्लियर कट विजिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स क्या है बेटे? हेट्रोजीनस सिस्टम है बट इट अपीयर्स एट होमोजीनस सिस्टम। कोलॉइड्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन है, है तो ये हेट्रोजीनस सिस्टम बट ये लगता कैसा है? होमोजीनस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अब मिल्क को देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ तो कोई दो लेयर हमें नज़र ही नहीं आ रही, हमें लगता है यहाँ तो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ये तो होमोजीनस होना चाहिए। बट आप कभी देखते हैं आपके मम्मा मिल्क में से बटर निकालते हैं? अब कभी अगर आपका मिल्क स्पॉइल हो जाए, फट जाता है जब दूध, तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर सिर्फ लिक्विड रह जाता है। इट मीन्स मिल्क इज़ अ हेट्रोजीनस सिस्टम जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे नहीं होते कि डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि आपको विजिबल हो, विजिबल नहीं होते बट इट इज़ सस्पेंडेड थ्रू आउट द सिस्टम, इट विल डिस्पर्स थ्रू आउट द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, डस्ट, स्मॉग, मिस्ट, जैम, जेली, बटर, इट कम्स अंडर कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर बच्चे? तो मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिकॉल एवरीथिंग। मैटर या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा,
प्योर होगा तो एलिमेंट और कंपाउंड आएंगे इनकी कैटेगरी में, अगर मैटर इम्प्योर होगा तो इसमें मिक्सचर आएगा, मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस जिसमें सॉल्यूट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, हेट्रोजीनस में सस्पेंशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल क्लियर कट विजिबल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और कोलाइडल सिस्टम जो कि हेट्रोजीनस सिस्टम का पार्ट है, पार्टिकल का साइज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब बेटे ये जो नैनोमीटर है ये क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी मेजरमेंट एंड यूनिट्स के बारे में, लाइक हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करते हैं, इट विल बी नैनोमीटर। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की बेटे हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टी। बेटे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जहाँ आपका जो केमिकल है आपका मैटर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, हम उसको देखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका स्टेट क्या है, वेदर इट इज़ सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, वो एसिडिक है या बेसिक है, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्ट ऑफ। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा के देखें और वहाँ हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ कलर चेंज, कुछ स्टेट चेंज, कोई ऑर्डर चेंज, किसी भी टाइप का अगर प्रेसिपिटेशन बन रहा है, मींस इसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा या मैटर में केमिकली कोई चेंज आ जाएगा। ओके, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो वी विल स्टडी। जैसे अभी मैं बात कर रही थी फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कितने पे वो मेल्ट हो रहा है या फ्रीज हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे वो स्टेबल है, उसका वेट कैसा है, हार्डनेस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है तो रिजिड होगा, हार्ड होगा, वी कैन नॉट ब्रेक इट सिंपली, बट एयर में आप बड़ी इजीली आप अपना हैंड मूव कर पा रहे हैं, वाटर को आप इजीली पार्टिकल को ब्रेक कर पा रहे हैं। हार्डनेस शेप कैसी है, साइज कैसा है, स्ट्रेंथ कितनी है, टफ है, फ्रेजाइल है, लाइक पेपर होता है, पेपर इजीली हम टेयर कर सकते हैं, लेकिन एक वुडन टेबल या एक आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन से ऑब्जर्व होती है, क्लियर। केमिस्ट्री में हम जो भी टॉपिक करेंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम डेफिनेटली रीड करते हैं। नेक्स्ट बेटे, जस्ट 1 मिनट बैक आई टोल्ड यू अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट। बेटे जूनियर क्लासेस में मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आप रीड करते हैं कि अगर हम कोई फैक्टर लेते हैं लाइक लेंथ लेते हैं तो लेंथ का यूनिट किस में लेते हैं, डिस्टेंस का यूनिट किस में लेते हैं, इट विल बी इन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट हम सेकेंड में लेते हैं। अगर हम बात करें मास की तो मास या मैग्नीट्यूड को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में ले सकते हैं। तो दीज आर द यूनिट एंड मेजरमेंट कम्स अंडर। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आएगा पार्ट वन में, क्योंकि हम बेसिक केमिस्ट्री रीड कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द दीज मेट्रिक सिस्टम। SI यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बेटे जो हम एवरीवेयर इट इज़ यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल लेंथ की बात करें, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट आपको पता होगा लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं या मीटर में या किलोमीटर में, इंचेस में, फुट में या यार्ड में भी कर सकते हैं, ये US स्टैंडर्ड है, जनरली हम मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कैपेसिटी इन द सेंस मैग्नीट्यूड मिलीलीटर या लीटर में, वॉल्यूम को भी कर सकते हैं हम, जैसे हम मिल्क लेते हैं, लिक्विड लेते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ये मिलीलीटर और लीटर ही होता है बेटे। मास को हम किस में लेते हैं, ग्राम में, अगर कम है क्वांटिटी तो ग्राम में आएगा, ज़्यादा है तो किलोग्राम में आएगा, और ज़्यादा है तो टन में लेते हैं।
टाइम को हम जनरली सेकंड में यूज़ करते हैं, अगर इसको आर में या मिनट में लेते हैं तो हम सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो दैट 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स हो सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट इट ऑल्सो, राइट। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, बट हम इसको केल्विन में भी ले सकते हैं और डिग्री फारेनहाइट में भी ले सकते हैं। सो दीज आर द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और बात करें एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एस किसका सिंबल है, सेकंड का, जो कि टाइम की यूनिट है। अभी मैंने आपको बताया लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। एसआई यूनिट की स्पेशली बात करें तो सिंगल सिंगल टर्म हमें लर्न करनी है। टाइम को सेकंड में लेना है हमें एसआई यूनिट में, लेंथ को मीटर में स्पेसिफिकली, मास को किलोग्राम में, इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ डिनोटेड बाय आई, आपने 10th क्लास में रीड किया होगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स में, कि जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट आई, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, उसका यूनिट एम्पियर होता है ए, मीटर से मेजर कर सकते हैं हम लोग। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है, 273.15 आपको ऐड करना होगा, 9th क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट आपको चेक करना है, लाइक इस रूम में कितनी गैस है, तो उसको आप मोल्स में काउंट करेंगे। दिस इज़ न्यू अबाउट यू एंड इवन लिटिल बिट यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास ऑल्सो, इसकी बात करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको, तो फर्स्ट चैप्टर में आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे बेटे। एटम एंड मॉलिक्यूल, अब ये भी बेटे जो हमारी 11th की केमिस्ट्री है, इट इज़ रेलिवेंट टू 9th क्लास स्पेसिफिकली। तो 9th में हमने पढ़ा था एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। बेटे जो एटम है इट इज सिंगल एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज नथिंग बट एटम। फॉर एग्जांपल हीलियम एटम है, अगर हम सिंगल ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी एटम है। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, इसको मिलाकर क्या बनेगा, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, तो एटम से बड़ा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CO2 इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट से बने हैं। अभी आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। तो एटम इज द सिंगल स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते। एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है कंपाउंड। दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री।